यू गाइस, मैं हूँ ज़ेबा। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपकी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाते हैं। सच में दोस्तों, बड़ा इरिटेटिंग होता है ना जब आपको अपने दोस्तों के साथ किसी डिनर या फिर किसी पार्टी पर जा रहे हो और फिर लिपस्टिक लगाने के बस कुछ ही देर बाद ही आपकी लिपस्टिक बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस दिक्कत का फिर से सामना नहीं करना होगा। तो अगर आपको अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो फिर आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लें। आप वैसलीन या फिर किसी भी लिप बाम का इस्तेमाल कर सकती हैं। ज्यादा मॉइस्चराइजर को निकालने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। अब मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। लाइन लगाते समय ध्यान रहे कि आप अपने लिप्स को पूरी तरफ कलर से फिल कर लें, वरना वो बहुत ही फनी लगेगा और आई एम श्योर कोई भी फनी नहीं दिखना चाहता है। अब फिर से टिश्यू लेकर एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल लें। अब आप लिपस्टिक लगा सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन रेड लिपस्टिक के नीचे पिंक लाइनर का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है और पिंक लिपस्टिक के नीचे रेड लाइनर का। लेकिन आप जो चाहें वो लिप लाइनर या लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर एक बार ज़्यादा लगे प्रोडक्ट को टिश्यू से निकाल लें और अब बस आप चाहें तो कोई भी टैल्कम पाउडर या कोई भी पाउडर ले सकती हैं। उसे अपनी उंगली पर लेकर अपने लिप पर लगाइए। पाउडर लगाते समय अपने लिप्स को स्ट्रेच करिए ताकि लिप्स के हर हिस्से पर पाउडर लग जाए। ऐसा करने से आपके लिप्स पर लाइंस नहीं आएंगी। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लिपस्टिक हिले ना। अब लिपस्टिक का आखिरी कोट लगा लें। और वोला, हो गया। अब उस स्पेशल डेट पर जाते समय आपको बार बार बाथरूम में जाकर लिपस्टिक को टचअप करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और हमारे टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय।